हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 49 और इसके पहले मैंने 48 प्रैक्टिस सेट बना दिए ऑब्जेक्टिव ग्रामर पर। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें भी जरूर वॉच कर लें। यदि हमारे प्रैक्टिस सेट और हमारी टीचिंग यदि आपको पसंद आए और यूजफुल लगे आपके एग्जाम्स के लिए तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाएँ, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन होंगे और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 20 आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन से आपने अटैम्प्ट किए और राइट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहली क्लास को। यहाँ पर है हमारा पहला सेंटेंस, ही लिव्स डैश मालवा स्ट्रीट, और यहाँ पर हमें प्रपोजिशन फिल करना है एट, अक्रॉस, इन या ऑन टू में से। तो देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में स्ट्रीट की बात होती है तो स्ट्रीट से पहले हमेशा एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस में भी आपका यूज किया जाएगा एट, ओके, या फिर डेफिनेट पॉइंट ऑफ जो प्लेस होता है ना, पॉइंट ऑफ प्लेस, उनसे पहले हमेशा एट प्रपोजिशन ही आता है, और स्ट्रीट से पहले भी एट का यूज किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा एट आपका। नेक्स्ट है सेंटेंस, वो है ही वाज स्टैब्ड डैश ए लुनेटिक विद ए डैगर, ओके। तो यहाँ पर हमें प्रपोजिशन फिल करना है फ्रॉम, ऑन, ऑफ या बाई में से। तो ये है आपका फिफ्थ प्रपोजिशन, ठीक है ना। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फिफ्थ प्रपोजिशन के बारे में सुना होगा। तो फिक्स प्रपोजिशन आपको दोस्तों याद करने होते हैं। आप याद कर लीजिए कि स्टेप्ड के बाद हमेशा बाई प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो यूज किया जाएगा प्रपोजिशन बोल रहा बाई, यानी ही वाज स्टेप्ड बाई ए लुनेटिक विद ए डैगर, ओके। नेक्स्ट है आई हैव ईटन नथिंग डैश यस्टरडे, एंड यहाँ पर हमें यूज करना है प्रपोजिशन फ्रॉम, पास्ट सेंस या टिल में से। तो सेंटेंस लिखा हुआ है परफेक्ट टेंस में और ये लिखा हुआ है टाइम। तो परफेक्ट टेंस में जब टाइम आता है तो यूज किया जाता है सिंस और फोर। तो और इस सेंटेंस में यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका सिंस यस्टरडे यूज होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सेंटेंस समझ में ना आए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस वो है आई वॉज टायर्ड आई टुक द क्लास। इन दोनों सेंटेंस को ना कंबाइन करना, एक क्लॉज बनाना है और कंजेंशन है हमारे पास येट, एंड, सो या सिंस में से। येट मीन्स होता है तब भी, एंड मतलब और, सो मीन्स इसलिए, सिंस। अब सबसे पहले देखिए, ये दोनों सेंटेंस हैं, ये आपके प्रिंसिपल क्लॉज लिखे हुए हैं, और जब भी प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ना होता है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजेंशन से जोड़े जाते हैं, यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता है वो हमारा। सिंस और सो ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं, तो यूज किया जाएगा एंड और येट में से। अब सेंटेंस में क्या लिखा है, मैं थका था मैंने क्लास ली, यानी मैं थका था तब भी मैंने क्लास ली। तो यहाँ पर जो कंजेंशन यूज हो रहा है जोड़ने के लिए, वो यूज किया जाएगा आपका येट। तो इस सेंटेंस का जो राइट ऑप्शन हो रहा है वो हो रहा है येट, यानी आई वॉज टायर्ड येट आई टुक द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस, ही कम्स टू सी अस डैश डे, एंड यहाँ पर यूज करना है आपको डिटरमाइनर नन, लिटिल, फ्यू या एवरी में से। तो सबसे पहले देखिए, सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नन के बाद आपको बता दें नाउन नहीं आता है, डे क्या है आपका, नाउन है। लिटिल, लिटिल के बाद क्या आता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। डे कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है फ्यू, फ्यू के बाद आपका आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन डे कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एवरी के बाद, ईच और एवरी के बाद यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो अब आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस का राइट ऑप्शन क्या हो रहा है, वो हो रहा है आपका एवरी। तो राइट ऑप्शन हो रहा है इसमें, वो रहा एवरी, ही कम्स टू सी अस एवरी डे। एंड सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एवरी क्या बताता है, रिपीटेड एक्शन, और रिपीटेड एक्शन बताने वाले कार्य हमेशा किस में बताते हैं, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ओके। नेक्स्ट है ही वाज फाउंड गिल्टी ही वाज पनिश्ड, ये दो सेंटेंस है, इनको भी जोड़ना है हमें, और किससे जोड़ना है, बट, देयरफॉर, ऑल्दो या बिफोर से। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है इस सेंटेंस का, वो हो रहा है देयरफॉर। देयरफॉर मीन्स इसलिए, यानी वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली, उसे पनिश किया गया। तो राइट ऑप्शन हो रहा है, बोल रहा है इसका देयरफॉर, ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस, नेपोलियन सेड, नेपोलियन ने कहा, गॉड इज ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बटालियंस, कि भगवान हमेशा शक्तिशाली जो बटालियंस होती है उसके साथ रहते हैं। He is always on the side of the best prepared. और नेपोलियन कहता है कि वह हमेशा, यानी गॉड हमेशा जो पहले से अच्छी तरह प्रेपरेशन करते हैं किसी चीज़ पर, उनके साथ रहते हैं। The best trained, the most vigilant, the pluckiest and the most determined. तो ये जो बात बोली है ये नेपोलियन ने बोली है,
और यहाँ पर हमें ये बताना है व्हाट डज द वर्ड प्लकीएस्ट मीन्स, प्लकीएस्ट का मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पर ये आप सिनोनिम्स भी याद कर लो, ये आपका सिनोनिम्स हो गया कि प्लकीएस्ट या करेजियस होता है, कोवार्डली होता है, लकीएस्ट होता है या टिमिड होता है। अब देखिए नेपोलियन ने राज भगवान हमेशा किसके साथ रहते हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बटालियन होती है उसकी तरफ। तो यानी इसमें कोवार्डली और टिमिड की तो बात हो ही नहीं सकती फिर, ठीक है ना। अब क्या आता है इसमें आपका जो प्लकीएस्ट का जो सिमिलर होता है वो होता है करेजियस, साहसी, और जिस वर्ड के अंत में ओ यू एस लगा होना वो आपका होगा एडजेक्टिव। आप इस तरह से भी याद कर लें, करेज आपका नाउन होगा। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका, वो है द एडवोकेट स्कॉट सॉफ लुक्ड एट द रेड बैगर हु हैड बीन सिंगिंग इन ए रशियन क्वार एंड वाज सेंट अवे फ्रॉम द ड्रंकननेस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेड इन द पैसेज, पैसेज क्या रहे हैं आपको मैं बता दूं कि ये जो लाइनें ली गई हैं ये ली गई हैं द बैगर लेसन से, और ये द बैगर लेसन एमपी बोर्ड की 12th इंग्लिश मीडियम की बुक है, लेसन 8 है उसमें। उसमें ये स्कॉट सॉफ और जो बात हो रही है जो एक बैगर के बारे में, रेड बैगर, ये उसमें एक स्टोरी है जिसका राइटर है एंटन चेख्यू। तो यहाँ पर जो रेड का मतलब है ये बताना है, कहने का मतलब है कि ये आपका सिनोनिम्स हो गया, यानी आपको सिनोनिम्स पूछा गया है इसमें कि रेड मीन सिंपल होता है, टॉर्न होता है, चीप होता है या थिन होता है। तो था क्या, जो रेड बैगर था ये फटे हुए कपड़े पहने हुए था, है ना। तो रेड मीन्स होता है टॉर्न, ओल्ड एंड टॉर्न, तो राइट ऑप्शन हो रहा आपका टॉर्न, ये सिमिलर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वो है ही इज डैश स्ट्रॉन्ग डैश क्रमिटेड, यहाँ पर हमें कंजंक्शन की यूज करनी है और ये आपका क्लॉज बना हुआ है दोस्तों, कोऑर्डिनेट क्लॉज है और यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करना है। ऑप्शन है वेदर और, सो दैट, सच दैट, नाइदर नॉर। अब ये इस तरह से यूज नहीं होता, सो डॉट डॉट दैट है ना, और सो दैट इकट्ठा, ये कॉमाज नहीं आएंगे, और यहाँ पर भी सच डैश दैट इस तरह से होना चाहिए था। चलिए तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा आपका, कि वह ना तो स्ट्रॉन्ग है और ना ही कमिटेड है, यानी बात का पटरा भी नहीं है, और तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा नाइदर डैश नॉर। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू गिवन वर्ड, यानी सिनोनिम्स पूछा गया है, और यहाँ पर है डिसास्टर। डिसास्टर मीन्स क्या होता है, तबाही होता है, नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं, आपदाएं होती है। एंड ऑप्शन है बून, डिसास्टर का बून क्या हो रहा है, ये तो अपोजिट हो जाएगा, हमें क्या बताना सिमिलर, मिसफॉर्चून, हाँ ये ठीक है, डिसास्टर का जो सिमिलर हो रहा है वो हो रहा है मिसफॉर्चून। हैप्पीनेस मीन्स खुशी होता है, प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि होता है, तो अब राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका मिसफॉर्चून डिसास्टर का। नेक्स्ट है वो है फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, कैपेबल वर्ड दिया जाए, आपको बताना है सिमिलर वर्ड क्या हो रहा है इसका। दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो पेपर आया था पीवी एग्जाम में, ये लगभग इंटर इंग्लिश मीडियम से काफ़ी क्वेश्चन उठाए गए, और ये कैपेबल जो वर्ड है ये यूथ एंड टास्क अहीड, ये लेसन है, लेसन 12 है ना, डॉक्टर करण सिंह का, उसमें भी आया था। और कैपेबल मीन्स होता है कम्पिटेंट, सिमिलर वर्ड, कम्पिटेंट मीन्स कैपेबल, समर्थ, और इनकम्पिटेंट इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, इस तरह से याद कर लो। कैपेबल का अपोजिट क्या होगा, ये हो गया आपका अपोजिट और ये हो गया सिनोनिम्स, तो इस तरह से आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, कैविटी, सिमिलर बताना सिनोनिम्स, कैविटी, एंड ऑप्शन है होल, एलिवेशन, माउंड एंड हाइट। कैविटी मीन्स क्या होता है आप समझ सकते हैं, कैविटी का आपने ऐड देखा होगा टीवी वगैरह पर, कैविटी मीन्स होता है होल, तो राइट ऑप्शन होगा इसका सिमिलर वर्ड वो होल होगा। नेक्स्ट है रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेज विद ए सिंगल वर्ड, एंड सेंटेंस लिखा हुआ है इट इजेंट इजी टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन नाउअडेज। ब्रिंग अप क्या है आपकी, ये फ्रेजल वर्ब है, एंड ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना, ठीक है। ऑप्शन है रेज, अफर्ड, टीच या कंपनी, तो नॉर्म। अब यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका रेज, बढ़ाना, बड़ा करना, ठीक है। ब्रिंग अप मीन्स रेज, तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर रेज, इस फ्रेजल वर्ब का। नेक्स्ट है वो है आपका यहाँ पर रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेज विद ए सिंगल वर्ड,
ट्राइल्ड ऑफ ट्राइल्ड ऑफ को सिंगल वर्ड में रिप्लेस करना है। सेंटेंस है दे ट्राइल्ड ऑफ द आफ्टरनून मीटिंग। ट्राइल्ड ऑफ मीन्स होता है आपका, ऑप्शन है यहाँ पर पहले रिशेड्यूल्ड, कंटिन्यूड, कैंसल्ड या हेल्ड। तो कॉल्ड ऑफ मीन्स होता है कैंसिल कर देना, ये लिखा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कैंसिल, प्रयल वर्ब है, आप इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट है रिया एज डैश टैलेंटेड डैश सिंसियर। ऑप्शन फिल करना वेदर और बोथ एंड हार्डली वैन एंड सियरली वैन। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बोथ, कि रिया टैलेंटेड है तो सिंसियर भी होगी, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर यूज किया जाएगा बोथ एंड। नेक्स्ट है ही वाज द मोस्ट इक्विवेलेंट स्पीकर आई हैव एवर हर्ड। क्लॉज लिखा हुआ है और ये क्लॉज कौन सा है आपका, रिलेटिव क्लॉज लिखा हुआ है, याद रखिए, जैसे हम एडजेक्टिव क्लॉज भी रहते हैं, और हमें यहाँ पर फिल करना है रिलेटिव प्रोनाउन विच दैट हुम या हुम से। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं, पर्सन की या थिंग की। तो हम बात कर रहे हैं पर्सन की, तो पर्सन के लिए नॉर्मली आप इसमें क्या लगाएंगे, हु या हुम में से लगाएंगे, ठीक है ना। कमेंट करके बताइए जल्दी से कि आप इसमें क्या यूज करेंगे, फिर मैं आपको रीजन बताता हूँ कि आपको क्या यूज नहीं करना है और क्यों करना है जो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर है लिखा हुआ है सेकंड सेंटेंस में आई हैव एवर हर्ड। याद कर लो कि जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में एवर का प्रयोग किया जाए तो चाहे पर्सन हो या थिंग हो, हमेशा यूज किया जाता है दैट का। तो यहाँ पर आपको यूज करना है दैट, ही बाय द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर दैट आई हैव एवर हर्ड। तो दैट यहाँ पर होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड गिवन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओके, क्राउडेड, क्राउडेड का क्या बताना है, अपोजिट बताना है। क्राउडेड मीन्स क्या होता है, भीड़ भाड़। डेंस, डेंस फॉरेस्ट घना, ये तो सिमिलर हो गया। लॉनली मीन्स अकेला, क्राउडेड मतलब ज़्यादा भीड़। मैनली, पॉल्यूटेड, हाँ ये चलिए ये तीनों तो सिमिलर हो जाए, बट लॉनली क्राउडेड का अपोजिट वर्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये अपोजिट। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो ड्वेल वर्ड दिया गया है इसका मोस्ट सिमिलर वर्ड बताना है। ड्वेल मतलब होता है निवास करना, ठीक है, एंड लिव मीन्स रहना, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, मूव या मिग्रेट। तो अब आप समझ जाइए कि ड्वेल का जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका लिव। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। टेरिबल का अपोजिट वर्ड बताना, टेरिबल मीन्स भयानक, ठीक है। ऑप्शन है हॉरिबल, तो हॉरिबल तो टेरिबल का क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ड्रेडफुल, ये भी सिमिलर हो जाएगा। डिलाइटफुल, ये अपोजिट हो जाएगा। एंड आइडिया, तो हमें क्या बताना था यहाँ पर, अपोजिट, तो अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, डिलाइटफुल। तो टेरिबल का अपोजिट डिलाइटफुल। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नीचे ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको बताना है कौन सा आपका अपोजिट वर्ड सही है। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट क्या बताना है, अपोजिट क्या हो रहा, रिजॉइस, रिजॉइन, रेपेल या कम्फर्ट। तो अट्रैक्ट मीन्स होता है आकर्षित होना, एंड रेपेल इसका अपोजिट वर्ड हो रहा, करेक्ट आंसर रेपेल। नेक्स्ट एस वर्ड सेंटेंस हमारा है यू डैश प्रेजेंट एट द बेडिंग ऑफ योर यंगर सिस्टर लास्ट ईयर। अब हमें यहाँ पर यूज करना है वर्ब, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लास्ट ईयर, यानी कि ये पास्ट में यूज करना है। अब पास्ट की वर्ब क्या यूज हो रही, मस्ट प्रेजेंट में, मस्ट बी प्रेजेंट में, मस्ट हैव बीन, ये हो जाएगा यूज। तो राइट ऑप्शन हो रहा, क्योंकि मस्ट हैव के बाद यदि ये वर्ब होती तो ये थर्ड फॉर्म में होना चाहिए था, तो ये करेक्ट है, मस्ट हैव बीन आपका। नेक्स्ट है मिस्टर रॉय इज क्वाइट रिच। मिस्टर रॉय बहुत लगभग अमीर हैं, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। अब ये आपका क्लॉज लिखा हुआ है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। अपोजिट बताने के लिए हमें क्या यूज करना है यहाँ पर, स्टिल। इन मिस्टर रॉय इज क्वाइट रिच, तब भी वो कैसे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पर यूज हो रहा आपका स्टिल, ये आपका क्लॉज लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आई डैश द डोर बट देयर वाज नो रिप्लाई। दरवाजे को खटखटाया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, क्या होगा, नॉक एट, नॉट ऑन, नॉट ऑफ या नॉट ऑफ। तो ये आपके फिफ्थ प्रपोजिशन है कि नॉट के बाद आपको यूज करना होता है एट, और वैसे भी एट द डोर का ही यूज किया जाता है, एट द डोर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट वन।
ओके नेक्स्ट है आई डैश रिबील्ड द सीक्रेट, ऑप्शन है कुड हैव, कुड, कुड नॉट, कुड हैव एंड कैन, ये लिखा हुआ है रिबील्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी आपकी कोई मॉडल वर्ब लिखी हो याद कर लो, मॉडल वर्ब के बाद यदि हैव वर्ब होगी तभी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, अदरवाइज कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, इन सब के बाद इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो रिबील्डेड आपकी जैसी है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा कुड हैव। मॉडल वर्ब के साथ यदि हैव वर्ब लगी हो तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वन शुड माइंड एस ऑन बिजनेस, यहाँ पर हमें प्रोनाउन का यूज करना है पजेसिव केस का, वंस, देयर, अवर या वंस। तो जब हमारा सब्जेक्ट वन हो तो इसका पजेसिव केस होता है वंस, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा वन शुड माइंड वंस ऑन बिजनेस। नेक्स्ट है आई हार्डली नो डैश इन द टाउन, इस सेंटेंस में यूज करना है एनी बडी, नो वन, नो बडी, नथिंग। देखिए इस सेंटेंस में आप ध्यान से देख रहे हो तो हार्डली वर्ड लगा हुआ है और ये क्या बताता है, निगेटिव। हार्डली मतलब होता है ना के बराबर, और ना के बराबर हार्डली, अब दो दो वर्ड नहीं लगेंगे जो निगेटिव बताते हो, इसमें भी नो है, इसमें भी नो है, इसमें भी नो है, ठीक है। तो एनी का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर, सेंटेंस दिख पॉजिटिव रहा है लेकिन इसका जो सेंस है वो कैसा है, निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर एनी का प्रयोग किया जा रहा है। तो राइट ऑप्शन होगा एनी बडी। नेक्स्ट है सेंटेंस वो है यू आर डैश हर वेरी वेल, एंड यूज करना है नॉन ऑफ, नॉन बाई, नॉन फोर या नॉन टू। पैसिव वॉइस लिखा हुआ है कि नॉन के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है, ना कि बाई का। तो राइट ऑप्शन हो रहा है यहाँ पर यू आर नॉन टू हर वेरी वेल। ओके नेक्स्ट है सेंटेंस आई डैश योर ब्रदर यस्टरडे, एंड ऑप्शन है यहाँ पर हैव मेट, हैज मेट, मीट या मेट। तो ये वर्ब यूज करना है और यहाँ पर हमारा लगा हुआ है यस्टरडे जो क्या शो करता है, पास्ट, और तो इस सेंटेंस में यूज किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट बनता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो राइट ऑप्शन हो रहा है यहाँ पर मेट। ओके नेक्स्ट है डू नॉट डैश माई प्राइवेट अफेयर, ऑप्शन है इंटरफेयर इन, इंटरफेयर इन टू, इंटरफेयर विद या इंटरफेयर फोर। फिफ्थ प्रपोजिशन है और इंटरफियर टेक्स ऑलवेज टेक्स इन प्रपोजिशन। तो राइट ऑप्शन हो रहा है डू नॉट इंटरफियर इन माई प्राइवेट अफेयर्स। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लास पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।